Good morning, dear students. Myself, Ms. Deepthi from Dips Kroll Bagh. In today's lecture, we are going to revise Geography Chapter 2, Natural Resources, Land, Water and Soil. In today's lecture, we are going to discuss about the various methods which help in the conservation of the soil. So, for first is the mulching. Mulching means a layer of material such as organic compost हो गया एंड देन लीव्स हो गई स्ट्रॉज हो गए उसको सॉइल के ऊपर बिखेर सॉइल के ऊपर डाल देना सॉइल के ऊपर बिल्कुल बिखेर देना जैसे जंग फॉरेस्ट में होता है ड्राई लीव्स गिरी हुई होती हैं टहनियाँ नीचे गिरी हुई होती हैं वैसा ही अपने लैंड्स पे भी अपने फील्ड पे भी वैसा करवा देना वाई इट इज़ सो इससे क्या होगा एक तो सबसे बड़ी बात है सॉइल का इट हेल्प्स टू कवर कंजर्व द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल इट हेल्प्स टू कंजर्व द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इट ऑल्सो हेल्प टू हेल्प इन द फॉर्मेशन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द सॉइल बिकॉज जब वो पत्ते पड़े हुए हों कुछ भी सामान पड़ा हुआ होता है तो उससे क्या होता है तो बारिश हो एयर हो हवा तेज चल रही हो विंड ब्लो कर रही हो तो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है तो सॉइल को सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है इसका तो द मंचिंग इज डैट अ लेयर ऑफ मटीरियल सच एज ऑर्गेनिक कंपोजिट लीव स्ट्रॉस ग्रास कहीं पर तो पत्थरों से भी सजा दिया जाता है अप्लाइड टू द सॉइल एंड दिस विल हेल्प टू कंजर्व द सॉइल नंबर टू इज द काउंटर बैरियर्स काउंटर बैरियर्स यानी कि ज़मीन के आगे कोई किसी चीज़ से अड़चन सी खड़ी कर देना जिससे मिट्टी बह ना सके सम बैरियर्स आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स एंड ग्रास अलॉन्ग द काउंटर्स अलाइज इन द फील्ड ट्रेंचेस आर ऑल्सो डग इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर लाइक दिस यहाँ पर ऐसे ये है काउंटर कर देना जैसे ये है ये फील्ड है फील्ड के बीच में ऐसी जगह खड्डा सा खोद देना बारिश होगी पानी हुई बारिश हुआ फ्लो वाटर का फ्लोइंग होगा तो वाटर इन खड्डों में ही जाएगा और मिट्टी इन एरियाज़ में भर जाएगी जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा सो दिस ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन नेक्स्ट इज द रॉक डैम्स इट इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ डैम्स विथ स्टोन अक्रॉस द गलीज टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इट दिस कैन चेक द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर एंड हेल्प्स इन द फिलिंग द गलीज विथ सिल्ट वही बात है कि जमीन के जहाँ से खेत है खेत के पास में एक डैम सा पत्थर के डैम सा बना देना ताकि बारिश हो रही हो फ्लड होता हो तो वो जो मिट्टी बह के आई है वो आगे फ्लड में बह ना जाए वो वहीं पर काउंटर हो जाए वहीं पर रुक जाए सो दिस इज़ ऑल्सो नंबर टू थर्ड इज़ द टेरिस फार्मिंग टेरिस फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन द माउंटेन रीजन सो माउंटेन रीजन्स में टेरिस फार्मिंग किया जाता है कि पहाड़ को लाइक दिस फॉरेस्ट इज माउंटेन इज़ देयर इफ द ऑन द स्लोप्स ऑफ द पहाड़ों में स्लोप्स पे माउंटेन होती है तो स्लोप्स में ऐसे होता है तो बारिश पड़ने पर डायरेक्ट ही वो नीचे पानी से फ्लो कर जाता है तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेरेस को ये जो आपका स्लोप्स है इस पे स्टेप में कट के हम लोग फील्ड्स बना लेते हैं स्टेप वाइज फील्ड बनाई थी ऊपर की छोटी होती उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लाइक दिस दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस फार्मिंग यू कैन सी ऊपर वाली सो इस तरह से टेरिस फार्मिंग भी करवाई जाती है इस दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो हेल्प टू स्टॉप द सॉइल इरोजन इन द माउंटेन एरियाज एज वेल एज द अदर एरियाज ऑल्सो नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेटिव रोज एंड दिस शोज डिफरेंट टाइम्स द सॉइल कैन पॉसिबली प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वॉश एज द फील्ड रिमेन अंडर द सम क्रॉप थ्रू आउट द ईयर
इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक टाइम पे दो फसलों को उगाना, और दोनों की जो टाइमिंग है चाहे उसकी सीडिंग की टाइम हो या फिर हार्वेस्टिंग की टाइम हो, उनकी अलग अलग होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि सारा साल फील्ड में कुछ ना कुछ लगा रहता है, क्रॉप लगी रहती है, जिसके कारण उनकी क्रॉप्स की रूट के कारण वाटर वॉश अवे नहीं हो पाता, सॉइल वॉश अवे नहीं हो पाती है और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। सो दिस इज़ द इंटरक्रॉपिंग हो जाती है। नेक्स्ट है काउंटर प्लगिंग। इन दिस मेथड द फील्ड्स आर प्लग्ड एंड स्वान अलोंग द नेचुरल काउंटर्स ऑफ द हिल्स इन प्लेस ऑफ द अप एंड डाउन द स्लोप। दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। काउंटर प्लगिंग वो होता है ये माउंटेन एरियाज़ में हम लोग करते हैं। माउंटेन एरियाज़ में जैसी ज़मीन वहाँ पर मिल जाती है उसी एरिया में हम लोग क्रॉपिंग कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि नेचुरल जो बैरियर बने हुए होते हैं ना, जो खेत के चारों तरफ जो एक नेचुरल बैरियर बना हुआ होता है, उससे वो बैरियर जो है सॉइल को इरोजन को होने नहीं देते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। सो नेक्स्ट इज द शेल्टर बेल्ट। रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ द फील्ड एल्सवेयर। दिस कैन रिटार्ड द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड थस स्टॉप द सॉइल फ्रॉम ब्लोइंग अवे। सबसे इजी है गांव में फील्ड्स में हम देखते हैं कि जगह जगह पर उन्होंने ट्रीज लगा देते हैं। सी हियर इन्होंने ये ट्रीज लगा दी हुई हैं। ये ट्रीज लगाने से क्या होता है, एक तो ये विंड की जो हाई विंड स्पीडी विंड्स आती हैं उनको उनके फ्लो को स्लो डाउन करता है। उससे क्या होता है फील्ड पे ज़्यादा विंड तेज़ी से नहीं बह पाती, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन पानी जब बहता है, रेन हो बारिश हो, तो पानी के फ्लो को ये कंट्रोल कर लेता है, तो सॉइल के इरोजन को ये कंट्रोल करता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये ट्रीज ये भी एक शेल्टर बेल्ट की जैसे काम करता है। सो दीज आर द फ्यू मेथड थ्रू विच वी कैन कंजर्व द सॉइल इरोजन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी। होपफुली वी आर गोइंग टू सी यू सून। थैंक यू।